हाय, आप पहली बार लाइब्रेरी कब आए थे? मैं पहली बार लाइब्रेरी, मुझे पहले तो पता भी नहीं था कि यहाँ पर कोई कम्युनिटी लाइब्रेरी है। मुझे मेरी कज़न है शिवानी, उसने बताया कि एक कम्युनिटी लाइब्रेरी है, प्लीज़ कम। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं तो बस ऐसे सिर्फ मज़े के लिए आई थी कि एक बार जाके देख लेंगे टाइम पास। बट आई तो आई थिंक मुझे अभी 4-5 साल हो चुके हैं आते हुए। पहले मैं एज अ मेम्बर थी, देन आई एम काउंसिल मेम्बर। अब मैं काउंसिल मेम्बर जब से बनी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। मैं लाइब्रेरी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती। और हाँ, बस यही तरीका था, मेरी कज़न की वजह से आई हूँ। लाइब्रेरी तो मैं जब 4th क्लास में था, तब मेरे को पता चला दोस्तों से, तो मेरे को तो बड़ी खुशी हुई कि लाइब्रेरी खुल गई है। मेरे को पता नहीं था वैसे, मेरा मन भी नहीं करता था जाने का, मगर मैं फिर भी गया। जाके मुझे पता चला कि लाइब्रेरी में तो बहुत कुछ होता है, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा उसमें बढ़ा, तो तभी से मैं लाइब्रेरी स्टार्ट करूँ। वेल, बाय द फर्स्ट टाइम आई केम टू द लाइब्रेरी, इट वॉज इन द आफ्टरनून। आई वॉज इन द मॉस्को एंड द टीचर्स वर मार्चिंग ऑल द चिल्ड्रन, टेकिंग टू देम टू द लाइब्रेरी एंड आई आस्क्ड देम द वेयर डिड दे गोइंग where they going, they say that we are taking the children to the library. Then I said, can I come with them? They say that of course you can. Then I came with the children, along with the children here, and I saw the library, that how beautiful it is, how amazing it is, and how friendly librarians are. मैं पहली बारी लाइब्रेरी आया था जब मैं दीपालय स्कूल में पढ़ता था, और मैं लाइब्रेरी अपने 3 दोस्तों और 2 दोस्तों के साथ आया था, शिवेक और जितिन, हम तीनों दोस्त थे और हमने साथ में लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। हम साथ में जाते थे लाइब्रेरी में, मदद कराते थे, साथ में किताबें भी पढ़ते थे, हमने खूब मस्ती भी किया लाइब्रेरी। क्या किताबों और लाइब्रेरी पर सबका हक है? अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे तब पूछते जब मैं स्कूल में सिर्फ स्कूल की लाइब्रेरी को जानती थी, तो मेरा आंसर होता नहीं, क्योंकि आज तक मैंने अपनी स्कूल की लाइब्रेरी को सिर्फ बुक्स को शेल्फ में बंद देखा है, कभी हाथ में नहीं लिया। बस वही बुक्स, वही मैगजीन हाथ में आई है जो मैम ने खुद मुझे दी कि प्रिया बस ये पढ़ो, यही है तुम्हारे लिए, उन शेल्फ को कोई हाथ नहीं लगाएगा। बट इस लाइब्रेरी में आने के बाद मुझे सच में पता चला कि हाँ, ये बुक्स, ये लाइब्रेरी सबके लिए होती है। नो मैटर आपकी कास्ट क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप कैसे रहते हो, आप किस कलर के हो, कुछ मैटर नहीं करता जी। बिल्कुल सबका आके, क्योंकि लोग सोचते बहुत हैं, तो सोचने के लिए कुछ पढ़ना भी ज़रूरी है, तो उसके हिसाब से मतलब लोग सोच पाएंगे और ज़्यादा खुल के, क्योंकि किताबों में बहुत कुछ लिखा है, शायद हम उसको पढ़ के और भी सोच सकते हैं, बहुत सारी बातें जान सकते हैं, और उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ के कि हाँ, लाइब्रेरी में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। और मतलब पुरानी जितनी भी बातें थी हमारी, उन लोगों को पता नहीं, तो शायद उनसे और जानकारी मिलेगी, तो वो शायद और बेहतर कर सकते हैं अपने आप को उस चीज़ को जान के। Everyone has the right to get knowledge. So the main source of knowledge comes from the books. So for example, I give a very logical example. For example, when we get hungry, we need food to satisfy our hunger. So like this, our brain needs the book to satisfy it. So the book is the food to our brain. That's how, that's why everyone needs to access to libraries. Everyone has the right to get knowledge. From where they can get knowledge? From reading, by reading books, and by reading books can help us to build our confidence and help the children and adults to open up. So make a person successful. There are many successful people in the world, like Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Oprah, and many other many successful people in this world. They are successful because they use their time right. The time of illness, he connected learning new thing every single day. Warren Buffett, he reads books more than 5 hours in a day. Like this is the most important. He reads more than 3 hours in a day. What about Bill Gates? He reads one book a week. Oprah, well, she just obsessed with the book. So that's why everyone should has right to get knowledge and access to a book. And library, yes. Because the benefit of going to library is that give us free books and this place to study, and that's why I say yes.
जी बिल्कुल मैम, क्योंकि लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सोचने की जगह मिलती है, मतलब जहाँ आप सोच सकते हैं, और जो सोचता है वही चीज़ों को समझता है। तो हमें हमेशा सोचना चाहिए, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप बिल्कुल अपने बातें रख सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आपको यहाँ पे किताबें मिल रही हैं, मुफ्त किताबें जो आप पढ़ सकते हैं, घर ले जा सकते हैं। तो लाइब्रेरी सबका हक है, और हर जगह लाइब्रेरी होनी चाहिए, फ्री लाइब्रेरी, क्योंकि सभी को सोचना है और पढ़ना ही सोचना है, मतलब डबल।